नूर मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम सहार जाफर के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की है कि मुलजिम जहनी मरीज है, इसका मेडिकल करवाया जाए। नूर मुकदम कत्ल केस में सहार जाफर की वालदा की जमानत सुप्रीम कोर्ट से मंजूर होने के बाद अब बेटे ने भी खुद को जहनी मरीज करार दिलवाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वकील की जानिब से सहार जाफर को पागल करार देने की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी गई। दूसरी जानिब मदी के वकील शाह खावर कहते हैं कि सहार जाफर को खुद को अदालत के सामने पागल जाहिर करने की तलकीन की गई है, हम इस पर प्रॉपर आर्ग्यूमेंट देंगे। मुलजिम को कहा गया है कि वो कोर्ट में ऐसी हरकतें करे ताकि कोर्ट इस नतीजे में पहुंचे कि वो ज़हनी मरीज है। मदी के वकील ने मजीद कहा कि ज़हर जाफर के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त बकायदा प्लानिंग लगती है। लगता है ज़हर जाफर को कहा गया है कि वो पागलों वाली हरकतें करे, अगर अदालत किसी को पागल कह दे तो ट्रायल मुअत्तल रहता है।